शायद कोई गाड़ी आ रही है। सरदार जी आपके ट्रक की तलाशी लेनी है। क्यों की गल है महाराज? बंबई से एक आदमी सोना लेकर भागा है, ऐसी खबर मिली है। तो महाराज खाली ट्रक की सोना लेके भागेगा? हद होगी यही। लो तलाशी लेना सरकारी फर्ज है। लो महाराज हद होगी, तलाशी लो ना, रोकना कौन है? ट्रक की तलाशी लो। रंजीत तुम एक ईमानदार और सच्चे इंसान बनने की कोशिश करोगे। जी विश यू गुड लक। थैंक यू सर।
साहब कहिए, ये सब क्या बन रहा है? ये डैम बन रहा है। डैम? जी, लेकिन पहले तो यहाँ जंगल ही जंगल था ना। आप 3-4 साल पहले की बात करते हैं। जी हाँ, अब तो डैम बनने से काफी आबादी हो गई। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। साहब कहाँ हैं? वहाँ हैं। जरा बुला के लाओ। साहब आपको कोई मिलना चाहता है? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। नमस्ते साहब। नमस्ते, क्या बात है? मैं आपके हुक्म के मुताबिक जेल से उसका पीछा करता चला रहा हूँ, वो यहाँ आ गया है। तो मेरा ख्याल ठीक ही निकला। इस वक्त कहाँ है वो? वो बस से उतरकर बाजार गया, मैं यहाँ चला है। देखो, तुम चंद्र बहादुर से कहो उस पर पूरी तरह नजर रखे, और उसके बारे में जो कुछ मालूम हो मुझे खबर करें। सुना, मैं शाम को घर पर ही मिलूंगा। झूला देख रहा था। झूला में कौन सी नई बात है? बात ये है कि तुम्हारा झूला देखकर मुझे अपना बचपन याद आ गया। अच्छा? हाँ। दीदी आ गई। हाँ? अरे वो लगवा। क्या है दीदी? कौन कल बात कर रहे हैं? उनसे। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? किनसे पूछ के आए थे तक? अरे, एक साथ इतने सवाल। जो हम पूछे थे वो का जवाब दियो। इनसे पूछ के आए भीतर? मैं खुद अपनी मर्जी से यहाँ आया हूँ। अरे वाह, बड़े आए हुआ सिम मर्जी वाले। हिम्मत कैसे भाई तुम्हारे दूसरे के घर में घुसन की? मैं कौन? मैं तो सबको अपना समझता हूँ। हाँ? ना समझे तो आए कौन मतलब से सो बको। मैं इस पेड़ को देखने आया था। पेड़? दरअसल इस पेड़ के साथ मेरा बहुत पुराना ताल्लुक है, कुछ अजीब सा गहरा जज्बाती। हाँ? तुम यकीन करो ना करो, लेकिन मैं सच कहता हूँ कि इस पेड़ को देखने के लिए मैं 2 दिन का सफर तय करके आया हूँ। बात करे का ढंग अच्छा है तुम्हारा। नाम क्या है? रंजीत। कहाँ से आए हो? बम्बई से। बम्बई से? तो ऐसा करो, हुए जाओ और हुए जाए के फंसाओ काव लड़की। क्या मतलब? यहाँ तुहार दाल नहीं गल सका। चलो रसना को अपना। लेकिन मेरी बात, हम सब समझ ली तुहार बात। चलो बाहर निकलो। सुनो, चलो। बदमाश। बहादुर, चंदर इधर आओ। कहिए क्या खबर है? राम अवतार ने खबर दी है कि रंजीत यहाँ आ गया। ये बात? हाँ। मुझे तो पहले ही शक था वो यहाँ जरूर आएगा। वो बस से उतरकर बस्ती की तरफ गया है। तुम दोनों उसका पीछा करो, एक मिनट के लिए भी आंख से ओझल मत होने दो। समझे? शाबाश, जाओ। आप फिकर मत कीजिए, हम देख लेंगे। चलो। अरे उधर दो चाय दो, पंडित को बढ़िया बैठो। हिम्मत से जाके चाय मांग रहा हूं, चाय दीजिए यहां। जल्दी करो। राम राम दुखी राम जी। राम 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 राम। भाई हमें भाई श्रीमती रुक्मिणी भाई। राम 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 राम। दो कप चाय पूरी भाजी और गरम गरम पकौड़े भेजियो। पहलवान जी साथ में है। तो पहलवान और ठीक है। जाओ रे को बैठ मेरे यार। अरे खड़ी खड़ी क्या देना, जल्दी करो। देख यार मेरा मेरा नाम बहादुर सिंह और मैं इनका दोस्त चंदन। आपसे बहुत जरूरी और खास काम। जब तक चाय पीजिए,
असल बात कह दूंगा तो पहचानने में देर नहीं लगेगी। आप बता दो ना उस्ताद, इनसे तो अपनी पुरानी साठ गांठ है। हम लोग रॉबर्ट के पार्टनर हैं। पार्टनर या खूनी? एक ही बात, पहचाना तो सही। अब अगर तुम रॉबर्ट का सोना हम लोगों को नहीं दोगे तुम्हारा भी वही अंजाम होगा। जो तुम कर सकते हो वो मैं भी कर सकता हूँ। क्या समझे नहीं उस्ताद? इनका मतलब है चोर चोर मौसेरे भाई। बता दो ना यार, तुम्हारा भी हिस्सा रहेगा? क्यों बहादुर सिंह? जरूर हिस्सा रहेगा, आखिर झगड़े से क्या फायदा? झगड़ा किस बात का बुजिल सिंह? बुजिल सिंह ए बहादुर सिंह, क्या ला तेरे बाप का नहीं है? बोलो क्या सोचा है? कहां छुपाई थी सोने की अटैच? दरिया में फेंक दी थी। बहुत खूब, पुलिस आ गई होगी तुम्हारे इस चक्के में, लेकिन तुम हमें धोखा नहीं दे सकते। बिल्कुल ठीक कहा उस्ताद। अरे नाम तो तुम्हारा चंदर है लेकिन हंसते बिल्कुल बंदर की तरह हो। क्या कहा? बहुत होशियार समझते हो अपने को। क्यों? लेकिन हम भी शेर के लिए सवा शेर, तुम हमें धोखा नहीं दे सकते। हम बराबर तुम्हें अपनी नजरों में रखेंगे, समझे? संभाल के रखना, कहीं आंख कानी ना हो जाए। चाची, कौन था ये आदमी? मालूम नहीं, कोई नया आदमी है। अच्छा है, बेटा बताओ तो। मैंने कल किसकी कहानी सुनाई थी? मैं बताऊं बापू? तू चुप रह, जिससे पूछता हूं वो बताएगा। हाँ मन्नू तुम बताओ। राजा हरिचंद्र की कहानी सुनाई थी। शाबाश, बैठ जाओ। हाँ गुलाब तुम ये बताओ कि राजा हरिश्चंद्र की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? वही कि मैं कितना भी दुखा हूं, मैं घबराना नहीं चाहिए, खूब हिम्मत रखना चाहिए। शाबाश, तो बच्चों मैं कह रहा था चाहे हम पर कितनी भी मुसीबतें पड़े हमें सच्चाई से नहीं हटना चाहिए। बाबा ले आई बच्चे को, आ जा आ जा राजा बेटा आ जा। सो जा बेटा, आज रोता है कल हंसेगा, तेरे माँ बाप तेरा भविष्य बना रहे। ना 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 ना, माई जरा बच्चे का ख्याल रख। अभी तक यही खड़ी है, जा काम पे जा। जा बाबू, बच्चा अकेला, उसे कोई तकलीफ तो नहीं होगी। चिंता न कर बेटी, तेरी तरह कितनी माएं सुबह सुबह अपने बच्चे को यहाँ छोड़ जाती हैं और बांध पर काम करती हैं। मैं सबकी देखभाल करता हूँ, तेरे बच्चे कोई तकलीफ नहीं होगी। जा जा। क्यों भाई, ये बाबा कौन है? लक्ष्मण दास जी हैं, हमारे माई बाप। इन्होंने देश के लिए बहुत सी कुर्बानियां दी। अच्छा? हाँ, पुलिस की डंडे खाकर इनका एक पैर बेकार हो गया, अब यहाँ मजदूरों के बच्चों की देखभाल क्या करते हैं। वाकई बहुत अच्छे आदमी। बोला बाबू, इस पत्ते पर मिट्टी क्यों लगी? माफ कीजिएगा, हर पत्ते ठीक से साफ करवा के ऊपर ले जाया कीजिए। बहुत अच्छा। गुड मॉर्निंग मिस्टर माथुर। गुड मॉर्निंग।
आप क्या साहब? पहले से अच्छा है। गुड। इस साइड में कितना आदमी काम कर रहे हैं? जी 2000, माफ कीजिएगा, 1000 इधर और 1000 उधर। मोटर का क्या हुआ? वो ट्रॉलियां आ रही है। कल से 11 नंबर पीट की स्लोप पर काम शुरू होगा। अच्छा, ठेकेदार मोहन सिंह से कह देना। अच्छा जी, माफ कीजिएगा। मुनिया, हे मुनिया, चिल्लाते क्यों हो? देखते नहीं हम काम मचा रहे हैं। अरे सो तो देख रहा हूँ, काम पर जा रही है, लेकिन चमक छल्लो, तुझे देखूं और ना पुकारो मेरा सांता छूट जाए। अच्छा ये बात है। अरे मुनिया, रात मैंने एक सपना देखा कि मेरी शादी हो गई। चलो छुट्टी हुई, हम तो बच गए। अरे सुन तो मुनिया, अरे पर बात तू छुके, ये क्या कदम जी? मुनिया, मैं खूब जानता हूँ कि सुखन एक नंबर का छटा हुआ है। गौरी, तुझे कोई तंग करे तो मुझे बोलना, मैं उसे नौकरी से निकाल दूंगा। हाँ, तुम नौकरी से निकालोगे पीछे, पहले हम ही ठीक नहीं करते? बिल्कुल ठीक है, माफ करना, थोड़ा सुस्ता क्यों नहीं लेती? काहे? धूप में थक के पसीने पसीने हो गई हो, तुम्हारी तकलीफ से मुझे तकलीफ होती है। मतलब समझो तो मतलब, नहीं तो बेमतलब। तो बेमतलब ही समझो मुकादम जी। हाँ। ए, तू क्या देख रहा है? तू अपना काम कर। अरे गौरी, कहाँ है? अरे ठहर, कहाँ है? तू बड़ी रसी वाली है, कहाँ है? तभी तो सब तेरे से ही हमदर्दी दिखाते हैं, हमका नहीं चाहिए कोई कि हमदर्दी हमदर्दी। अच्छा अच्छा, का तू अपनी बोल। ओ बेचारा सुखनवा तो हर सपने देख के मरत है। अरे पैदा हुआ है तो मरेगा ही, मरने दो हमसे का। मुनिया, ओ मुनिया, क्या है? क्यों जान खावत है? हाय हाय हाय, कैसी जाली है तू? जैसी तू वैसी हम। कौन? गौरी जी, माफ करना, तुम उसे जानते हो? जी हाँ, काफी पुरानी जान पहचान है। डॉक्टर बात तो छोड़िए, आप पिंजर लेके आइए, जाइए। जरा सा लगने से आओ करने की उम्र नहीं रही तुम्हारी। छोड़ो पहला बात, दवा आ जाए लगा दूं फिर छोड़ दूंगा। चलो आजो आजो। अरे मुकदम साहब, आप मुकदमों की इसका पहुंच छुएंगे? लाइए मैं लगा देता हूँ। ठीक हो जाएगा मुकदम साहब, आप जाइए। तुमसे क्या? आप बेकार यहाँ खड़े रहेंगे, वहाँ बेकार कंपनी का नुकसान होगा।
माफ करना, तुम मुझे नसीहत मत दो, मैं अपना काम खूब अच्छी तरह जानता हूँ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ मुकदम साहब। ए, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? चलो चलो चुकाल चुकाल, चलिए आप। अब ठीक है ना? ठीक का, सब तो हर कारण हुआ। मेरे कारण? और नहीं तो का, तुम मुकादम से कहे बोले कि हमार तुहार पुरानी जान पहचान है। क्यों, आज सवेरे मिले नहीं थे हम तुम? अरे वाह, सवेरे मिलने से जान पहचान पुरानी हो जाते का? कभी कभी ऐसा ही हो जाता है गौरी। बदमाश, गौरी समझे गाड़ी तो डुबकी मार के पानी पीवत है का? अरे कावा बोलने से का बनत है? तू भी लड़की, हम भी लड़की, लड़की ना तो बोलती है, हम खूब समझते हैं। अरे उनका तो हम आज ही देखे हैं, कितने दिनों बाद हुई दैया, आज पहले पहल। हट, अब हमसे ना छुपा। हाँ हम खूब समझत है, जा हम तो उसे नहीं बोले। हाँ अब हमसे काहे बोलेगी, जा उनसे ही बोल। अरे तू काहे की फिक्र करे है, चमक चलो। अरे तेरे साथ बात करने को हम जो है। अरे गौरी ये पाँव में क्या हुआ? कुछ नहीं बापू, जरा तसला गिर पड़ा पाँव पे। कहीं जगह चोट नहीं आई? नहीं नहीं, जरा सी खरोच आई है। ये पट्टी किसने बांधी है? इनने। अच्छा अच्छा, घबराने की बात नहीं, जा सामने हट जाकर जा। उसे दवा लगा के पट्टी तुमने बांधी? हाँ, अच्छे लड़के हो, दूसरे के दुख सुख में इसी तरह काम आते हैं। मैंने तुम्हें इससे पहले यहाँ नहीं देखा। मैं आज ही यहाँ आया हूँ, मेरा नाम रंजीत है। अच्छा आओ चल। कितने आदमी इस कड़ी धूप में काम कर रहे हैं, दिन रात अपना पसीना बहा रहे हैं। वाकई बहुत मेहनत का काम है। मैं वही कह रहा हूँ बेटा, ये जो हजारों लाखों आदमी यहाँ काम कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि इन्हें मजदूरी मिलती, बल्कि इसलिए कि अकाल से लड़ा जा सके, बाणों को रोका जा सके। बेटा ये बांध हमारे आने वाले जमाने की खुशहाली की बुनियाद है, ये हमारा पहरेदार रक्षक है, देवता। नहीं तो जरा पट्टी ढीली हो गई, तो जिसने बांधी थी उसी से कसवा ले जाके। देखो यहाँ हम कहते होश में। अच्छा बाबा अच्छा। हाय सच्ची, किसको याद किया? वही सामने आ गया। कौन? अरे जिसकी तू, तेरा जो हमें नहीं, अब उसको बुला उसको। कितने दिन हो गए यहाँ काम करते हुए? अरे यार बहुत दिन हो गए काम करते हुए। बात तो बात यह है कि गुरु क्या हुआ? मैं चला, मेरी चमक चलो आ गई। अच्छा राम 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 चलो। हाँ। अरे हम तुमसे पूछे थे, काहे को हमारे पीछे पीछे चले आ रहे हो? मैं तुम्हारे घर जा रहा था। काहे को? ये पूछने के लिए कि तुम्हारे पैर का जख्म कैसा? ठीक है, जल्दी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाँ अब कहाँ है? हुसैन तुम्हारे बाबा घर में हैं? हमका नहीं पता। तुम्हारे बाबा बहुत अच्छे हैं, मेरा मतलब है। हम खूब समझे थे तुम्हारे मतलब, पर हम ऐसी वैसी नहीं है। हाँ ये क्या कह रही हो तुम? एक पट्टी का बांध के पैर में, तुम तो हाथ धोई के हमारे पीछे पड़ गए। अरे रे ए धरो पट्टी जेब में। अरे पट्टी खोल दी। अरे हाँ
आ गए गौरी? हाँ। हम चूल्हे पर चाय का पानी चढ़ा दिया। अभी बना देते। नमस्ते बापू। अरे आओ बेटा, बड़े अच्छे वक्त पर आ गए। गौरी दूसरी जगह चाय ले आओ। अच्छा। गुलाब आम ले 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 ले। आया दीदी। आ बेटा अंदर आ। कहाँ कहाँ घूमा है? कहीं नहीं, बाजार से होता हुआ इधर चला है। तुम्हें तो ये जंगल वंगल कुछ अजीब सा लगा होगा। हाँ अजीब सा तो है, फिर भी एक नई दुनिया तो बनी रही है। सचमुच बन रही है, और ये नई दुनिया बनने पर हमारी जिंदगी भी बदल जाएगी। दीदी आम खाओगी? किन्हें दिया? मैं। बदमाश। हमने क्या बदमाशी की? तू आम चूस। आपने तो आजादी की लड़ाई में खुद भी हिस्सा लिया था ना? हाँ, औरत बच्चों का मोह छोड़कर स्वदेशी आंदोलन में कूद पड़ा। उस वक्त महात्मा गांधी की पुकार कश्मीर से कन्याकुमारी तक गूंज रही थी। भला कौन घर में बैठ सकता था? फिर क्या हुआ? तो हर्षर। क्या? तू आम चूस ना। हुआ क्या? जेल जाना पड़ा। जेल? हाँ बेटा, कुल मिलाकर 12 साल जेल में बिताए। 12 साल? अरे लोगों को फांसियां हुई, काले पानी की सजा हुई, फिर ये 12 साल किस कीमती पे? लेकिन बलिदान की ऐसी भावना होने पर भी हम में एक बहुत बड़ी कमजोरी है। वो क्या? खाक पत्थर समझता है। क्या नहीं समझे? कुछ नहीं। क्या कहा है? अब ये बात है बेटा, आजादी मिली और हम लगे झगड़ते। एक बार इन्हीं आपस के झगड़ों ने हमें गुलाम बना दिया था। अरे कुछ तो सोचो, कुछ तो समझो। भाषा का, जात पात का, ऊंच नीच का, छोटे बड़े का, अगले झगड़ा क्यों? ये देश हमारा है, हम इस देश के हैं, मिलकर रहो। बिल्कुल ठीक कहते हैं आप। अरे असली वक्त तो अब आया है जागने का, जित पड़ो जी जान से नया हिंदुस्तान बनाने में। कुछ ऐसा करो जिसे सबका फायदा हो, सबकी तरक्की हो, सब सुखी हो, हमारे बच्चे बड़े होकर दुनिया के सामने सर ऊंचा करके कह सके कि हम भारत के रहने वाले हैं। बापू चाह। अरे तू कब से खड़ी है? हम तो न जाने कौन ख्याल में खोई गए। ये तो हर कोई नई आदत तो है नहीं, पर भैंस के आगे बीन बजाए से का फायदा? का जो मुंह में आओ तो बोल देते। अच्छा बापू तो मैं चलता हूँ। नहीं बेटा चाय पीते जाओ, इस वक्त नहीं पियूंगा। का नहीं पियोगे? तू ये हमारा दूध चाय सबके सब मुफत का है का? अरे कैसे पिया तू, बात ऐसी करत है। चल माफी मांग। अच्छा हम माफी मांगे थे, अब तो पी लो। पी लो बेटा, अब तो पी लो। बेटा इसकी बात का बुरा ना मान, मैं तो 12 वर्ष जेल में रहा, इसे कोई संभालने वाला ना था, बेचारी गंवार की गंवार रह गई। बाहर से तो ऐसी दिखती है लेकिन मन की बहुत अच्छी है। हाँ सच में तुमने इसे पहचान लिया। मैं अब क्यों हंस रही हूँ दीदी? अच्छा बेटा एक काम करो जी, यहाँ कोई नौकरी ढूंढ लो और काम पे लग जाओ। एक से दो हो तो दोस्त बनते हैं, पांच हो पंचायत होती है, ज्यादा हो समाज बनता है, गांव बनता है, देश बनता है। एक एक बूंद करके ही तो समुद्र बनता है। वाकई आपकी बातें बहुत काम की। अरे मैं क्या, मेरी बातें क्या, जो जी में आता है कह देता हूँ। अच्छा तो मैं चलूं। नमस्ते। जीते रहो। अच्छा गौरी मैं चलता हूँ, भूल चूक माफ करना। और तुम्हारे बाबा के साथ अगर मेरी बातें करना अखरता हो तो? बाबा जी नहीं, तुम जानो हम कौन होते हैं तुम्हारे बीच में दखल देने वाले। हाँ आइंदा अगर चाय पिलाने की तकलीफ करो तो उसमें शक्कर डालना मत भूलना। का चाय में शक्कर नहीं? ठीक हुई। फिर क्यों अकेले ऐसे हो दीदी? तोते का चल पड़ जाके चल। चाय फीकी थी ना? हाँ। ये लो गुड़ खाए के मुंह मीठा कर लियो। लेकिन गौरी हमारे यहाँ तो शादी ब्याह की बात पक्की हो जाने पर ही मुंह मीठा कराया जाता है। बदमाश।
प्यार होते होते हो गया प्यार होते होते तेरी भी ओ हो, हो मेरी भी ओ हो, हो तेरी भी ओ हो मेरी भी ओ आँखें चार होते होते हो गया प्यार होते होते भाई। ए, मेरे हाथ छोड़ देने तो अच्छा नहीं होगा। हंसा भाई, इन हाथों में तो मैं मेहंदी लगाना चाहता हूँ। अबे आ जाओ रे को। ए बहादुर सिंह, छोड़ दे उसका हाथ, यहाँ जबरदस्ती नहीं चलेगी। काकी, तुम्हारे लिए ये जबरदस्ती सही, लेकिन मेरे लिए तो ये मोहब्बत है। ये कहाँ मेरे यार तुम? मैं कहती हूँ छोड़ दे मेरे हाथ, बदमाश कमीने। छोड़ दे मेरा हाथ, बदमाश कमीने। नहीं छोड़ता। छोड़ दे मुझे। छोड़ दो इसे। नहीं छोड़ता, मैं कहता हूं छोड़ दो इसे। बदमाश है। रंजीत, मैं तुझे देख लूंगा। अबे तू क्या देखेगा, मैं दिखाऊं? अबे तू क्या दिखाएगा? चलो कल देख लेंगे। अच्छा कल? बेटे कल देख लूंगा तुझे। तुमने तो होटल का नाम रख लिया बाबू, कहाँ रहते हो? बस जगह ढूंढ रहा हूँ। अरे तो फिर यही रह जाओ, खाना रहना सिर्फ 2 रुपए रोज। ठीक है। हंसा, जरा बाबू को कमरा तो दिखा दो। चलो। हाय पहलवान। हाँ, हमारे को नहीं दिखाया कभी कमरा उरे को। किस्मत खराब है उस्ताद। आजा उरे को, बिल पार दे परे को। आओ। बैठो।
मैं जरा कपड़े बदल। नाम क्या है तुम्हारा? रंजीत। कहां से आए हो? बंबई से। बंबई? इतनी दूर क्यों आना हुआ? इतना सब क्यों जानना चाहती हो मेरे बारे में? तुमने मुझे बेइज्जती से बचाया, तुम्हें जानो पहचानो भी नहीं। काम की तलाश में आया हूं। तुम्हारा नाम क्या है? हंसा। या रीनी? रीनी जो मैं थी, हंसा जो मैं हूं, वक्त इंसान को बदल देता है। अब तो मैं नाचती हूँ, गाती हूँ, आजाद हूँ, बिल्कुल आजाद हूँ। कैसे गांठ लग गई है, खुलती ही नहीं। जरा खोल दो। शुक्रिया। तुम्हें कैसा लगा मेरा नाच गाना? अच्छा। सिर्फ अच्छा? बहुत अच्छा। तुम्हें देखते ही मुझे ऐसा लगा जैसे तुम अपने हो, जाने पहचाने, दिलगीर। क्या हुआ, बैठो ना। मेरा कमरा यही है। है तो मेरा? नहीं नहीं समझू। मुझे मेरा कमरा दिखा दो। चलो। यह है मेरा कमरा? हाँ। हंसा? आ गया कमबख्त, मुझे हमेशा तंग करता है। अभी आती हूँ। माफ करना, आती हूँ क्या? चली आओ ना। जाओ ना, कोई काम होगा। जानती हो क्या काम है उसका? जानता हूँ। माफ करना हंसा, ये आदमी यहाँ क्यों आया है? मुझसे मिलने। बहुत पुरानी जान पहचान है। तुमसे भी जान पहचान है? हाँ। काम की जरूरत है उसे, लगा दो ना कहीं। माफ करना, लगा तो दूं, पर लगाने की जगह कहाँ है? जगह नहीं है तो बनाओ। ये जिम्मे तुम्हारा हूँ। काम तो उसे देना ही होगा, समझे? समझा समझा। पर मैं पूछता हूँ, तुम्हें उसकी इतनी फिक्र क्यों पड़ गई है? पूछने और बताने में किसी किसी बात का मजा जैसा रहता है भोला बाबू। ठीक है ठीक है, समझा। तुम्हारा हुक्म सराखों पे, काम दे दूंगा। तुम सचमुच बहुत भोले हो भोला बाबू। बड़े मजेदार दुश्मन।
करत हो? देख रहा हूँ। का देखत हो? देखने की चीज ही देखी जाती है। तुम देखने की चीज देखत हो, लोग तुमको देखत हैं। जरा सोचो तो लोग का कहेंगे, का सोचेंगे। उनकी बात छोड़ो, तुम क्या सोचते हो ये बताओ। हम भी यही सोचे थे कि तुम बदमाश। अच्छा, तो बदमाश चला जाओ। जाओ हमसे कर, काम धाम किया नहीं कर, यहाँ से हुआ मंडरात फिरत। भाई नौकरी मिले तब ना। करने वाले को सब मिल जाए। माफ करना, तुम कौन हो जो यहाँ चक्कर लगाते रहते हो? मुकदम साहब, मैं आप ही से मिल आया था, लीजिए सिगरेट पीजिए। माफ करना, मुझे तुम्हारी सिगरेट पीकर नहीं पीनी, चले जाना से। किसको? आपकी मर्जी। और अगर आप जाने को कहते हैं तो ये चला। ये चला चक्कर लगाता है चक्कर चलाने को, और सिगरेट चलाने की कोशिश करता है मुझे। एक गलत बुजदिल सिंह, कब तक यही भटकते रहोगे? भटकता नहीं, भटका रहा हूँ तुम जैसों को। तेरी क्या हस्ती है बे? ये बात है तो सुन। सुना? आज मैं अपना काम पूरा करके कल यहाँ से चला जाऊंगा, समझे? अच्छा, तो फिर हम कल ही देख लेंगे। इस वक्त यहां कोई नहीं है, यही मौका है सोना लेके भाग जाने का। Hey!
कब तक देगा हाथ हम क्यों फैलाएं, क्यों ना इसी मिट्टी से हम सपनों का महल उठाएं। जी मैं नौकरी के लिए आया हूँ, यहाँ कोई काम नहीं है। जी मैं मैट्रिक पास हूँ, मैकेनिक हूँ, क्रेन भी चला सकता हूँ। मुझे अफसोस है, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। जहाँ हजारों आदमी काम कर रहे हैं वहाँ मेरे लिए काम नहीं हो सकता। मैं वाकई मजबूर, आप कहीं और काम देखिए। सुनिए, मिल गया काम, यहाँ मांगने से कौन देगा, काम तो इनसे मिलेगा। ए गौरी, कहाँ है? वो देख, वो तेरा अनजाना जान पहचान वाला तो औरों को भी पहचानता है। खुला बाबू, लगा दो नहीं कहीं काम से। माफ करना, तुम जिद पर उतर आई हो तो लगाना ही पड़ेगा। मगर ये तो पढ़े लिखे फैशनेबल आदमी है, इन्हें मजदूरी करना नहीं शोभा देगा। मजाक न कीजिए मुकदम साहब, आप जो कहेंगे करूंगा। कम से कम पत्थर ढोने का काम तो दे सकते हैं आप मुझे। जरूर दे सकता हूँ। अरे ओ रामा उतार, कल से ब्लॉक नंबर 11 पे 250 आदमी काम करेंगे, इनके भी काम लिख लो। काम नहीं, नाम रंजीत। माफ करना, तुम हमें सिखाते हो। अब तो खुश हो। शुक्रिया मुकदम साहब। माफ करना, मैं बात कर रहा हूँ हंसते थे और जवाब दे रहे हो तुम। माफ कीजिएगा, सुबह सवेरे आ जाऊंगा काम पे। नमस्ते नमस्ते। बापू, मुझे काम मिल गया, पत्थर ढोने का। हाँ, ये तो बड़ी खुशी की बात है, और फिर ये तो नेव के पत्थर है, असली बुनियाद। हाँ, 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 हाँ बेटा। ओह गुलाब, कहाँ जा रहा है तू? मंगल के घर आँख मचोली खेलने। अच्छा, तो आँख मचोली खेलने जा रहा है तू? हाँ, बाबा कहाँ? बाबा किसी से मिलने गए, देर से लौटेंगे। अच्छा, हाँ ये बताओ तुम्हारी दीदी कहाँ है? दीदी तो क्या, मैं खाना पका रही है। तो तुम जाओ खेलने, हैं जाओ। गौरी, गौरी तुम्हें मैं कुछ खबरें सुनाने आया हूं। मुझे नौकरी मिल गई, 75 रुपए महीना, लेकिन रहने का इंतजाम अभी तक नहीं। सोचता हूँ बाबा से कहूँ, लेकिन अच्छा नहीं लगता ना। क्यों? डालो और डालो। अरे सब पानी पानी कर दें। ओ शुक्र है, कुछ बोली तो सही। हमार बोलन की तुमको का, कोई नचनिया से बोले जाके। ओ तो तुम हंसा की बात कर रही हो। हंसा है कि हंसी, हमसे का? तुमसे बहुत कुछ है गौरी, समझती क्यों नहीं? हम सब समझते। तुम कुछ नहीं समझते। का समझ, तुम उसे हंसत के बात नहीं कर रहे थे? गौरी वो तो मैं अपने मतलब से।
वो तो हम जानते हैं कि तुम पक्के मतलबी हो। तुम कुछ नहीं जानती, बिल्कुल नहीं जानती। चलो मेरे साथ। कहाँ पे रखे? चलो। अरे, छोड़ो हमारा हाथ। ए बाबू। गौरी, मैंने तुमसे पहले ही दिन कहा था कि इस पेड़ के साथ मेरा बहुत पुराना, बहुत गहरा ताल्लुक है। जानती हो क्यों? इसमें सोना छुपा हुआ है। सोना? हाँ, 1.5 लाख रुपए का सोना। कहाँ? गौरी, मैं इतना बुरा नहीं हूं जितना कि तुम समझती हो। हाँ, एक पल के लिए मेरा पांव जरूर फिसल गया। मैंने अपनी जिंदगी में यह कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मुझे तूफान के तिनके की तरह भटकना होगा। का कहे तो हम कुछ नहीं समझे। तो सुनो गौरी, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाना चाहता। आज से 5 साल पहले मैं बंबई की डॉक्स पर क्रेन चलाने का काम किया करता था। जहाज आते थे, जाते थे। मेरा काम था माल उतारना, माल चढ़ाना। सुबह से शाम तक मशीन के साथ जिंदगी भी मशीन की तरह चल रही थी। मैं दुनिया में बिल्कुल अकेला था। मेरे माता पिता, भाई बहन कोई नहीं था, सिवाय एक दोस्त के जिसका नाम था रॉबर्ट। हेलो रंजीत, हाय रॉबर्ट। रॉबर्ट जहाज पर ही सफर किया करता था। जब वो आता था तब हम दोनों ऐसे मिलते थे जैसे दो भाई। बहुत जरूर बात है यार। हाँ, हम एडिंग चला गया था उधर एक महीना तक। चलो चलो। थैंक यू रॉबर्ट, थैंक यू। मेरी वीरान जिंदगी में एक लड़की थी, सुधा। मैं उसे बहुत चाहता था, लेकिन शायद किस्मत को हमारा प्यार मंजूर न था। एक दिन जब मैं उसे मिलने गया तो शादी तय हो गई। ये क्या कह रही हो सुधा? सच कह रही हूँ। ठीक है, मैं एक मामूली ट्रेन ड्राइवर, तुम रईस, ऊंचा घराना। मेरी तुम्हारी बराबरी भी क्या हो सकती है? ऐसा ना कहो, मैं तुम्हें पढ़ने के लिए किसी की परवाह नहीं करूंगी। शादी कब है सुधा? परसों। परसों? मुझे यहाँ से कहीं दूर ले चलो, शादी होगी तो तुमसे वरना। लेकिन सुधा, तुम्हें कहीं ले जाने के लिए मेरे पास रुपए पैसे भी तो नहीं है। मेरे पास कहने चाहो। नहीं सुधा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन घबराओ नहीं, मैं रुपयों को बंदोबस्त करूंगा। सुधा चली गई और मैं सोचता रहा कि रुपए कहाँ से लाऊं। ख्याल आया रॉबर्ट का। रॉबर्ट, मुझे कुछ रुपयों की जरूरत है। कितना? ये ना पूछो रॉबर्ट, बस इतना समझ लो कि अगर मुझे रुपए ना मिले तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। समझ गया, मोहब्बत का मामला है। हम तुमको रुपया देगा मगर हमारा एक काम करने को मांगता है। क्या? तुम जानता ब्रदर, अपन भी किसी से मोहब्बत करते हैं। किसको? रीनी को, बिल्कुल मस्त परी जैसा। अच्छा? हाँ, वो गोवा से इधर आया और अपना घर हैदराबाद को वापस गया, अपना अटैची केस इधर भूल गया। तुम उसको उसके पास पहुंचाएंगा? क्यों नहीं। वेरी गुड, तुम हमारा काम करेगा, हम तुम्हारा काम करें। चलो, मस्त हो जाएंगे। ओके रंजीत, विश यू गुड लक। थैंक यू रॉबर्ट। इट्स ऑल राइट। टाटा। टाटा। मैं बैग लेकर जा रहा था कि अचानक मैंने सुना, पता सोने के लिए चिकन रखी। सोना तुम्हें नहीं मिलेगा। मैं कहता हूँ रॉबर्ट, पता सोने के लिए चिकन रखी। वो दे गया था कि सोना बस तो बाहर उनसे मार डालो, कुछ भी कर डालो। रॉबर्ट, पुलिस, हेल्प, 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 रॉबर्ट। और सारी असलियत मेरे सामने आ गई, लेकिन मैं रॉबर्ट को बचा ना सका। एक बार सोचा कि पुलिस को खबर कर दूं, लेकिन सोने का लालच बहुत बुरी बला होती है। मैं बैग लेकर भागा और भागता ही गया।
कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। मैं पकड़ा गया और मुझे 5 साल की सजा हुई। और इस तरह 5 साल की सजा काट कर मैं यहाँ आ गया। सोना सरकार को दे दिए होते तो जेल काहे को होते? दोस्त को दिए हुए वादे ने मजबूर कर दिया था मुझे। बस और कुछ नहीं? और थोड़ा लालच भी था अपने सुख के लिए। और अब? कभी नदी की बाढ़ देखी है तुमने? बाढ़ देखिए तो कब? बरसों की कड़ी मेहनत से बनाया हुआ घर बार जरा सी देर में टूट फूट कर इस बाढ़ में बह जाता है, जानती हो? जानते। इसी तरह मेरी जिंदगी में बाढ़ आई और सोने के लालच को बहा कर न जाने कहां ले गई। पर सुधा की बात पूरी नहीं की तुमने। जेल से आने के बाद मुझे पता चला कि उसकी शादी हो गई, बस वो कहानी खत्म हुई। और अब? अब मैं किसी और को चाहता हूँ, क्योंकि किसी को चाहे बिना आदमी जिंदा नहीं रह सकता। अब किसको चाहते हो तुम? कह दूं? गौरी, गौरी सुनो तो, सुनो। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो गौरी। ऐसा क्यों? हाँ,
कि आज फैसला कर ही लिया जाए। काहे का फैसला? सोने का। बहुत मोहलत ले चुके हो, आज नहीं बचोगे। बताओ वो सोना कहाँ है, नहीं तो खून कर दूंगा। मुफ्त का सोना हासिल करने के लिए दुनिया में हमेशा खून हुआ करते हैं। खामोश। आप छोड़ दो इसे, यानी कि मेरे आदमियों को गुंडागिरी करते हो? मगर सर, शर्म नहीं आती तुम्हें? अब तमीज कहेगी? गेट आउट, निकल जाओ यहां से, पुलिस के हवाले कर दूंगा। जाओ यहां से। आपकी मेहरबानी का शुक्रिया। सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? रंजीत। रंजीत, यहाँ नए वाले होते हो? जी हाँ। देखो मेरा नाम मोहन सिंह, मैं यहाँ का कॉन्ट्रैक्टर हूँ, यानी कि ठेकेदार। क्या काम करते हो? पत्थर ढोता हूँ। पत्थर ढोते हो? जी। बातों से तो पढ़े लिखे और समझदार मालूम होते। सुनो, अगर पत्थर ढोना छोड़कर तरक्की की ख्वाहिश हो तो मेरे पास चले आना। मेरी नज़र में कोई काम भी बुरा नहीं है ठेकेदार साहब। शुक्रिया। यानी कि कशिश खींच लाई तुम्हारी? मुझ जैसी मामूली औरत के पास आप जैसे बड़े ठेकेदार का आना मामूली बात नहीं। मैं एक बिजनेसमैन हूं हंसा, किस चीज की कितनी कीमत है ये मैं खूब समझता हूं। कितनी खूबसूरत हो तुम, यानी कि ताज्जुब है कि मेरी नजर तुम पर पहले क्यों ना पड़ी। ठेकेदार साहब। खैर, निजी बात पीछे, पहले काम की बात। काम की बात? यानी कि तुम्हारा नाम रेनी है ना? आपसे किसने कहा? तुम रॉबर्ट से प्यार करती हो? आप मरने से पहले रॉबर्ट तुम्हारे लिए एक आदमी को सोना दे गया था। मेरे लिए? हाँ, 1.5 लाख की कीमत का सोना। 1.5 लाख? झूठ। बिल्कुल सच। सच? तो कहाँ है वो आदमी, कहाँ है वो सोना? जरा आज, यानी कि अगर ये मैं तुम्हें न बताता तो क्या तुम जान सकती थी? और अगर इसके आगे मैं तुम्हें कुछ और न बताऊं तो क्या जान सकोगे? तो ये जानने के लिए तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। शर्त? यहां तो सभी अपनी अपनी शर्त रखते हैं, किस किस की मानो? यानी कि मैं तो सिर्फ बिजनेस की बात कर रहा हूं। अगर वो सोना मिल जाए तो 12 आने मेरा और 4 आने तुम्हारा। बस, लेकिन वो तो मेरा है। हाँ हाँ, सोना तो तुम्हारा ही है लेकिन बिजनेस तो मेरा है। सोच लो, बैठे बिठाए 35-40 हजार की मालिक हो जाओ। मुझे शर्त मंजूर है। शाबाश, यानी कि तुम मेरे लिए
और मैं तुम्हारे। किसके पास है सोना? रंजीत के पास। रंजीत? बंद करके दिल में भी देख लेते हैं। क्या बोलता है? मुकद्दम साहब, छमक छल्लो है ना, उससे मुझे प्यार हो गया है। खामोश! छोकरी से प्यार करेगा तो नौकरी से निकाल दूंगा, समझा? छोकरी से प्यार करेगा तो नौकरी से निकाल दूंगा। आया बड़ा नौकरी से निकालने वाला। अरे तू मुझे नौकरी में से क्या, अगर दुनिया में से निकाल देगा तो भी मैं छमक छल्लो को नहीं छोड़ूंगा। जानू जानू रे काहे ठन के है तोरा कंगना, जानू जानू रे काहे ठन के है तोरा कंगना। मैं भी जानू रे छुप के कौन आया तोर अंगना, अरे जानू रे छुप के कौन आया तोर अंगना। मैं भी जानू रे Oh,
चिंता की कोई बात नहीं, अब आप ठीक है मिस्टर माथुर। थैंक यू डॉक्टर। अच्छा अब मैं जाता हूँ। अच्छी बात। भोला बाबू जी, वो कहाँ है जिसने मुझे बचाया? माफ कीजिएगा, बाहर बैठा है साहब। बाहर क्यों? अंदर बुलाओ उसे। जी अभी बुलाता हूँ, माफ कीजिएगा। ए भाई ये अंदर आओ, साहब बुलाते हैं, चलो। नमस्ते। नमस्ते। आओ आओ, खड़े क्यों हो? सीमा, ये है वो जिसने मेरी जान बचाई, ये मेरी पत्नी है। नमस्ते। आपका ये उपकार मैं जीवन भर नहीं भूल सकती। ऐसी बात कहकर शर्मिंदा ना कीजिए। ठीक कहा तुमने, जहाँ मालिक का पसीना गिरे वहाँ खून बहाना हम लोगों का धर्म है। हाँ भोला बाबू, माफ कीजिएगा। बीबी जी, मैंने इसे काम पर लगाया है। क्या काम करते हो तुम? जी पत्थर ढोता हूँ। पत्थर? लेकिन तुम तो पढ़े लिखे मालूम होते हो। मैट्रिक पास हूँ, मैकेनिक भी हूँ, पहले क्रेन चलाया करता था। अच्छा, मुझे दुख हुआ, कितने काबिल होकर भी तुम पत्थर ढो रहे हो। मैं जानता हूँ कि एहसान का बदला कोई कभी चुका नहीं सकता, लेकिन फिर भी तुम्हारे भले के लिए मुझसे जो कुछ हो सकेगा जरूर करूंगा। भोलानाथ जी, कल से ये क्रेन चलाने का काम करेंगे। कीजिएगा, भूलूंगा कैसे, मुझे पहले ही मालूम था कि ये हुनर है, जरूर एक दिन तरक्की करेंगे। मैं अभी ऑफिस जाकर बंदोबस्त करता हूँ। नमस्ते मोहन बाबू, अंदर आ सकता हूँ? नमस्ते मिस्टर माथुर। नमस्ते माथुर। ये कैसे हैं आप? अब तो ठीक हूँ, भगवान का शुक्र है। सुनते ही मेरी तो जान निकल गई थी, यानी कि भागता हुआ यहाँ चला आया। बेकार इतनी तकलीफ की आपने। अरे कमाल कर रहे हैं माथुर साहब आप, इसमें तकलीफ की कौन सी बात है? आप समझते हैं जंगल का मामला, फिर प्रदेश, यहाँ तो माथुर साहब बस यही है कि हम आपके काम आए और आप हमारे काम। सही कहा आपने, ये ना होते तो आज मेरा आखिरी दिन था। ओ, तो आप यहाँ हैं, बहुत खूब है। मैं आप लोगों के लिए चाय भेजती हूँ। अच्छा इंजीनियर साहब, मुझे आगे दीजिए। अरे चाय तो पीकर जाओ। जी शुक्रिया, इस वक्त नहीं, मैं चलता हूँ। अच्छा, लेकिन कल से क्रेन पर काम संभाल लेना। जी अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। यानी कि आपने उसे तरक्की दे दी? हाँ। लेकिन लेकिन क्या? यानी कि आप नहीं जानते कि वो बंबई के डॉक्स पर क्रेन चलाया करता था, स्मगलिंग के मामले में 5 साल की कैद भुगत कर आया है। ओ, आपको ये सब कैसे पता चला? अच्छा, यानी कि मेरा मतलब है कि मेरा वहाँ एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बहुत बड़ा बिजनेस था और इसी सिलसिले में कभी कभी डॉक्स पर जाना होता था। समझा, लेकिन ऐसा कोई कानून तो नहीं है मोहन बाबू कि एक आदमी को सुधरने का मौका ही ना दिया जाए? बेशक बेशक, यानी कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बाहरों से नजारों के ये देखो क्या इशारे हैं, किसी के हो भी जाओ ऐ दिल वालों, दिन तुम्हारे हैं। आहा, बाहरों से नजारों के ये देखो क्या इशारे हैं, किसी के हो भी जाओ ऐ दिल वालों, दिन तुम्हारे हैं। नजारों के ये देखो क्या इशारे हैं, किसी के हो भी जाओ ऐ दिल वालों,
नजारों के ये देखो क्या इशारे हैं। किसी के हो भी जाओ ए दिल वालों दिन तुम्हारे हैं। हाय हाय बहारों से नजारों के ये देखो क्या इशारे हैं। किसी के हो भी जाओ ए दिल वालों दिन तुम्हारे हैं। हाय हाय लोग तुम्हारे लिए खुशियां मना रहे हैं और तुम यहां आकर बैठ गए। मेरे हिस्से में दुनिया की खुशियां नहीं है। क्यों? उसने सुना नहीं इसलिए? तुम्हें क्या जरूरत है जानने की? ना सही, तुम नाराज क्यों होते हो? रंजीत, एक बात कहूं, तुम भी यहां खुश नहीं और मैं भी नहीं। चलो हम दोनों यहां से कहीं दूर भाग चले। मेरा काम तुम जैसी लड़की के साथ भागना नहीं है अंसा। समझी, मैं बहुत बुरी लड़की हूं ना, लेकिन ये मेरी हालत हुई किसकी वजह से? अगर तुम रॉबर्ट का दिया हुआ सोना मुझे वापस कर देते। मेरे पास कोई सोना नहीं। यानी कि तुम सोना नहीं दोगे मुझे? जो चीज नहीं है उसके लिए बहस करने से क्या फायदा? चुप रहो, मुझे मालूम है वो सोना तुम हजम कर गए हो, लेकिन याद रखो मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगी, तुमसे बदला लूंगी, तुम्हें चैन से नहीं बैठने दूंगी। ए दुखेलाल, इसको क्रेन का सब काम समझा दो। ठीक है बड़े भाई मुकदम साहब, आ जाओ रे को मेरे यहाँ। चलो खेचने ऊपर को मेरे यहाँ। पहले समझ ले मेरे यार। यह बटन दबा अंदर को, यह लीवर चूरे को, और यह है और यह स्टार्टर। मतलब की बात है मेरे यार, तो पहले से ही जानता है। बंबई में पहले मैं यही काम किया करता था। वो डक्का फिकर ना कर, मैं तेरे को क्या समझाऊं, तू काम करो रे को, मैं चला परे को। अच्छा
और सुखन उठा लीजिएगा। थैंक यू मेरे यार। अरे पहलवान जी ठीक है। राम राम। अरे वाह गुरु तुमने तो कमाल कर दिया। अब तुम ऊपर से सारी दुनिया देखो और हम नीचे खड़े चापा करेंगे। इससे क्या फायदा, तुम ही सुखी हो, कम से कम तुम्हारा दिल तो खुश है। भाई तुम्हारे दिल को क्या हो गया है? मुंह पे थप्पड़ और दिल पे चोट। क्यों, क्या गौरी से कुछ खटपट हो गई? अरे यार कल तुम लोगों को दावत दी तो उसने समझा के मैंने भी पी है। आप तो तुम ही समझौता करा सकते हो। वो कैसे? अरे वाह यार ये फिर बात कहने की है। अरे ये काम तो ऐसा है कि चुटकी बजाई और फंसे। तो फिर चलो जल्दी जल्दी जाओ। दुनिया ओ दुनिया थोड़ी देर के लिए गौरी को अकेले में भेज दे। सार? अरे हाँ हाँ उससे बड़ा जरूरी काम है, अगर उससे बात ना हो सकी तो बेमौत मर जाऊंगा। क्या बकते हो? हाँ बकता नहीं मैं सच कहता हूँ, तू समझती क्यों नहीं? हम समझते हैं, तुम इतने बदमाश हो ये हमको नहीं मालूम था। हमारी सहेली पर नजर रखते हो। अरे रंजीत सुनेगा तो चिंता चला देगा। अरे उसका तो काम है, तू ठंडे दिमाग से सुन तो सही। सुन ला तू। अरे ये बात थी तो पहले क्यों नहीं बताया? अरे हम तो पहले से बता रहे थे पर तू ठंडे दिमाग। अच्छा अच्छा ज्यादा बकबक करने की जरूरत नहीं। अच्छा, अब हम समझ गए। हाँ, जल्दी भाई जल्दी क्या सामान। गौरी ए गौरी कहाँ है? किया कहाँ है? क्या बात है, आज तो बड़ा उदास लगती है। नानी को उसे कोई खटपट हो गई है क्या? किन से? अरे रंजीत से और किन से? हमका किसी से कोई मतलब नहीं समझी, तू हमसे ऐसी वैसी बात मत कर। ठीक है प्यार मोहब्बत में कुछ नहीं रखा, काम बहुत बड़ी चीज है। अच्छा हुआ कि तू इतने दिन से आ गए। यहाँ कहाँ देखो लोग अजूबा ये 20वीं सदी का, देखो न देखो लोग अजूबा ये 20वीं सदी का, आसमान के चांद को छूने निकला चांद जमी कर लोग, ये चंदा रूस का ना ये जापान का ना ये अमेरिकन प्यारे, ये तो है हिंदुस्तान का। ये चंदा रूस का ना ये जापान का ना ये अमेरिकन प्यारे, ये तो है हिंदुस्तान का। पर तूने ऐसा घूंघट डाला, गोरे गोरे मुख पर तूने ऐसा घूंघट डाला, आंखों वाले तर
फिस गए देखूं मैं किस्मत वाला आहे वाह ये चंदा रूस का ना ये जापान का ना ये अमेरिकन प्यारे ये तो है हिंदुस्तान का ये चंदा रूस का ना ये जापान का ना ये अमेरिकन प्यारे ये तो है हिंदुस्तान का दुश्मन देखे जल जल जाए दोस्त कहे क्या कहने दुश्मन देखे जल जल जाए दोस्त कहे क्या कहने देखे किस पर कर्म करे तू कौन ये सेहरा पहने आहा ये चंदा रूस का ना ये जापान का ना ये अमेरिकन प्यारे ये तो है हिंदुस्तान का ये चंदा रूस का ना ये जापान का ना ये अमेरिकन प्यारे ये तो है हिंदुस्तान का नगर से प्रेम नगर तक रोज करे एक फेरा रूप नगर से प्रेम नगर तक रोज करे एक फेरा तेरी एक मुस्कान शाम और एक मुस्कान सवेरा ओ मारा ये चंदा रूस का ना ये जापान का ना ये अमेरिकन प्यारे ये तो है हिंदुस्तान का ये चंदा रूस का ना ये जापान का ना ये अमेरिकन प्यारे ये तो है हिंदुस्तान का ये चंदा रूस का ना ये जापान का ना ये अमेरिकन प्यारे ये तो है हिंदुस्तान का हा हा ये चंदा रूस का ना ये जापान का ना ये अमेरिकन प्यारे ये तो है हिंदुस्तान का हा हा ये चंदा रूस का इतना भागी छोड़ा हम हाथ छुड़ा कर जा सकती हो लेकिन दिल से निकल कर कैसे जाओगी ज्यादा बात मत करो नहीं तो क्या कल मार तो चुकी हो मुझे आखिर बात क्या है इतने दिनों के बाद भी मुझे नहीं समझ सकती हमसे पूछे तो अपने कहे नहीं कहा लेकिन मैंने ऐसी कौन सी बात की है तुम तो बड़े भोले हो करीन पे धोखे से चढ़ाई के सब दुनिया में घुमाई दिए मस्करी उड़ाई बदनामी कराई हमारी अरे वाह क्रेन पे चढ़ाने से बदनामी हो गई और नहीं तो क्या और जब लगन मंडप में सात फेरे होंगे मेरे साथ तो क्या होगा चलो अब गुस्सा बहुत हो चुका गौरी कभी प्यार की भी बात किया करो प्यार खबरदार जूर ने चनिया से बात करी तो बात करने से प्यार थोड़ी ही हो जाता है का मालूम गौरी चिट्ठी चिकनी चुपड़ी बंठन के तुम पे जादू करे थे हमार का हम ठहरे देहाती गंवार गरीब मजदूर गौरी
कुएं के पानी से गंगा जल का मुकाबला नहीं किया जा सकता। कल हमारा हाथ राम जाने तुम पे कैसे उठ गया बाबू, क्षमा कर दो हमको। गलती मेरी ही थी गौरी। और नहीं तो का, जब देखो गरमाए दे तो हमको। गौरी परसों 15 अगस्त है, अपने देश की आजादी का दिन, एक मंत्री जी भी आएंगे, बड़ी धूमधाम होगी। हम जानत हैं, माधव ने सुखन नाचे गाय की तैयारी करत रहे, मुनिया भी नाचेगी। तुम नहीं नाचोगी? नहीं, हम कहाँ जाने थे नाच। देखा था बत्तियां कैसी अच्छी लगत है, जैसे दिवाली में चांदनी के फूल खिले हैं। बाबू जानत हो डैम पूरा होने के बाद कैसा दिखेगा? कैसा नहीं जानत, हम दिखाई। और रमैया बाबू जरा मशीन चालू करके दिखाओ ना कि बांध में कैसे का हुई है। देखा था ज्यादा बरसात होने पे पानी को रोक के रखेंगे और जब जरूरत पड़ेगी तब चालू करेंगे, फिर पानी नहरों से सीधा खेतों में जाएगा और दूर दूर तक सिंचाई होगी। फिर तो यहाँ एकदम नई दुनिया बन जाएगी। फिर उस नई दुनिया में मैं थोड़ी सी जमीन ले लूंगा, खेती करूंगा, छोटा सा एक घर बना लूंगा। फिर मेरा जो एक सपना है वो पूरा हो जाएगा। देखेगा क्या लाइयो खाने को। सुहाना सपना देख रहा था। सपने कहाँ सच होते? हमारा सपना जरूर सच होगा दौरे। तुम सपने मत देखा करो। क्या करूं, तुम्हारा साथ पाकर ही सीखा हूं। अगर तुम ना होती तो जो मैं था वही रहता। तुमने एक इंसान के सोए हुए दिल को जगा दिया है गौरी। तुम क्या कहे तो हम कुछ नहीं समझे गौरी। विदया बहुत देर हो गई, बात का सोचे थे। अच्छा हम जाते हैं। मैं पहुंचा दूं? भालो सिंह ये सब क्या, ये पत्थर काटे हैं? यही तो मैं देख रहा हूँ। देख क्या रहे हो, इनको काम में लाने के लिए मनुष्य में ज्यादा खर्च होगा। आप ठीक कहते हैं, ये सब बेकार है, लॉट को कैंसिल करो। ये कैसे हो सकता है साहब, जब देखो जब आप कोई ना कोई हम लोगों को हरामखोरी की आदत पड़ गई। ये तो सरासर बेइंसाफी है ठेकेदार साहब।
तुम लोग मुफ्ती मजदूरी मांगते हो लेकिन मुझे तो अपना दीवाना नहीं निकालना। अरे ऐसे बेईमान के चलो बात सुन। और क्या हुक्म? इन सब लोगों के चले जाने के बाद ये पत्थर ट्रक्स में लदवा कर भेज देना। समझे? मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसी कमीनी हरकत करेगा। ठीक है रंजीत, तुम जाओ, मैं चीफ इंजीनियर साहब से मिलके सब बंदोबस्त करता हूँ। जी अच्छा, नमस्ते। बेइंसाफी? कैसी बेइंसाफी? क्या लग रहे हो? आते रामनाथ, अपने आदेश का काम शुरू करें। काम शुरू नहीं होगा ठेकेदार साहब, हमसे धोखेबाजी की गई है। पत्थर ठीक नहीं काटते, इस बहाने से हमारे हर हफ्ते की मजदूरी काटी जाती है। जब तक पहला हिसाब नहीं मिलेगा वहां तक हम काम शुरू नहीं करेंगे। रामनाथ, होश से बात करो। आंखें दिखाने से बात नहीं बनेगी ठेकेदार साहब। यानी कि तुम मेरे आगे जवाब देते हो? तुम समझते हो मैं कुछ नहीं जानता? मुझे अच्छी तरह मालूम है कि तुम्हें कौन भड़का रहा है। हम भी बच्चे नहीं है ठेकेदार साहब, जो असलियत को न समझते हो। असलियत मैं समझता हूँ। तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काने के लिए ये रंजीत जरूर किसी दूसरे ठेकेदार से पैसे खा चुका है। अपना कीचड़ दूसरों पर मत दो ठेकेदार साहब। आप मुझे बदनाम करके अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। बताइए, कल के तोड़े हुए पत्थर क्या हुए? मुझे क्या मालूम, लेकिन मुझे मालूम है आपके इन आदमियों ने आपके कहने से रात के अंधेरे में पत्थर गायब करके बेच डाले। खामोश, ज्यादा जबान चलाई तो ठीक ना हो। जो होगा वो देख लेंगे, लेकिन तुम्हारे जैसे बेईमान आदमी के सामने सर नहीं झुकाएंगे। जालिम का हाथ ही हमेशा पहले उठा करता है। आपको मालूम होना चाहिए कि जिस आसानी से ये लोग पत्थर तोड़ सकते हैं, इसी आसानी से आप जैसे जालिम का सर भी तोड़ सकते हैं। आपको माफी मांगनी होगी। हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। मैं कहता हूँ आपको माफी मांगनी होगी। यानी कि तुम मुझे धमकी दे रहे हो? धमकी से नहीं, हम हर चीज का फैसला सच्चाई से चाहते हैं। ये सब क्या हो रहा है? एक तरफ कर हम 15 अगस्त का उत्सव मनाने की तैयारी कर रहे हैं और दूसरी तरफ अब दंगा फसाद पर तुले हुए हैं। अच्छा हुआ आप आ गए मिस्टर माथुर, इस सारे दंगे फसाद की जड़ ये रंजीत है, इसीलिए लोगों को भड़का कर काम बंद करवा दिया है। जिस पर आपने यकीन किया, तरक्की दी, आज वो आपके काम पर ही नहीं बल्कि नाम पर भी आंच ला रहा है। मिस्टर माथुर, आपको शायद मालूम नहीं है। यू माइंड योर ओन बिजनेस मिस्टर सिंह। रंजीत क्या है मुझे अच्छी तरह मालूम है और आपकी असलियत का पता भी मुझे लग गया। मजदूरों के इल्जाम के बारे में मैं जांच कर चुका हूँ। चीफ इंजीनियर साहब ने तय किया है कि आज से मजदूर सरकारी महकमे की तरफ से काम करेंगे। इंजीनियर साहब की जय! इंजीनियर साहब की जय! यानी कि आप क्या कह रहे हैं? आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया जाता है। मिस्टर माथुर, आप लोग जाकर काम शुरू करें। सुनिए मिस्टर माथुर। नो मिस्टर मोहन सिंह, इस बारे में आपकी कोई बात सुनने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। आपको कुछ कहना हो आप ऑफिस में आइए। शाबाश रंजीत भाई, शाबाश, आप ही की वजह से इंसाफ मिल गया हमें। बोलो रंजीत भैया की, रंजीत भैया की, रंजीत भैया की, रंजीत भैया की। आप यहाँ बैठिए, मैं उनसे जाकर कहता हूँ। आपको मुझसे कुछ काम है? जी नमस्ते मिस माथुर। नमस्ते। वो तो शाम को आके फिर उसी वक्त काम पे चले गए, इसीलिए तो आपको तकलीफ देने आया। कहिए मिसेस माथुर, मेरी बदकिस्मती की बात तो आप सुनी चुकी होंगी, लेकिन इसकी जिम्मेदार भी तो आप ही हैं। मैं मानता हूँ मिसेस माथुर, यानी कि गलती तो इंसान से ही होती है ना, और उसके लिए उसे माफ भी किया जा सकता है। यानी कि मेरा मतलब है, क्या मुझे एक मौका और नहीं मिल सकता? मेरे पति अपना काम अच्छी तरह समझते हैं, मैं उसमें दखल देना मुनासिब नहीं समझती। आ गए तुम? हाँ, बहुत थक गया हूँ आज। हाँ, मोहन सिंह गया था, रास्ते में मिला। नहीं तो? माफी मांगने आया था, कह रहा था एक बार अपने फैसले में फिर से विचार। हरगिज़ नहीं, उससे मुझे नफरत हो गई। वो इतना जलील है कि अपने फायदे के लिए वो देश तक को नीलाम करने के लिए तैयार हो सकता है। ये कागज दे गया है, इन्हें देख के शायद तुम अपना फैसला बदल सको। गैरत, कमीना। ये क्या? रुपए? 5-6 हजार होंगे। रिश्वत? छी छी। यहाँ सारी क्या है ना? हाँ।
रास्ते पे ही मिलेगा। ये क्या? इसका खून करने से देश के एक दुश्मन की कमी तो होगी। उससे की भी हद होती है। लो मुझे तो। ठहरो जरा, मैं भी चलती हूँ। तुम कहाँ जाओगी? मैं तुम्हें इस वक्त अकेले नहीं जाने दूंगी। मेरे घर पे गए थे, ये देखे आए थे तुम मेरी पत्नी को, ये नोट? जी हाँ। क्या समझ रखा है तुमने? तुम रिश्वत देके खरीदना चाहते हो तुम मुझे? ये माता गलत समझ रहे मुझे, मैं बताया है तुम्हें अच्छी तरह समझता हूँ। तुम जैसे लालची गद्दारों के वजह से हमारे देश की तरक्की में रुकावट पैदा हो रही है। अपने फायदे के लिए लाखों लोगों की खुशहाली बर्बाद करना चाहते हो तुम? मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। गौरी यहाँ बात सुनो। क्या देख रही हो गौरी? तारे। मत देखो, लोग कहते हैं ये तारे हमारी किस्मत में हेर फेर करते रहते हैं। झूठ, बापू कहते जो अच्छे लोग होते वो मरने के बाद आकाश के तारे बनकर चमकने लगे थे। चल। सच्ची? तुमका ना ही मालूम? नहीं तो? वो बड़े बड़े तारे सब बड़े बड़े लोग हैं। अच्छा? हाँ। तब तो मैं भी तारा ही बनूंगा। तुम काहे तारा बनोगे? तुम कौन अच्छा काम किया? क्यों, डैम जो बना रहा हूँ ये अच्छा काम नहीं क्या? अरे हाँ, तब तो हम भी हुआ तो हर पास रहो। जानती हो पास रहने का हक किसको होता है? पत्नी को। गौरी, इन सब महान हस्तियों के सामने आज मैं तुम्हें अपनी पत्नी मानता हूं। नट घट तारों हमें ना निहारो, हमारी ये प्रीत नहीं। चांद सा मुखड़ा क्यों शर्माया, चांद सा मुखड़ा क्यों शर्माया। आँख मिली और दिल घबराया, चांद सा मुखड़ा क्यों शर्माया। आँख मिली और दिल घबराया, चांद सा मुखड़ा क्यों शर्माया। झुक गए चंचल नैना एक झलकी दिखला के, और झुक गए चंचल नैना एक झलकी दिखला के। बोलो गोरी क्या रखा है पलकों में छुपा के, तुझको रे सांवरिया तुझसे ही चुरा के,
मुस्कुराया चांद सा मुखड़ा क्यों शर्माया आँख मिली और दिल घबराया चांद सा मुखड़ा क्यों शर्माया भीगे नजारे करते हैं इशारे ये भीगे नजारे करते हैं इशारे मिलने की ये रुत है गोरी दिन है हमारे सुन लो पिया प्यारे क्या कहते हैं तारे सुन लो पिया प्यारे क्या कहते हैं तारे हमने तो बिछड़ते देखे कितनों के प्यारे सा मुखड़ा क्यों शर्माया आँख मिली और दिल घबराया चांद सा मुखड़ा क्यों शर्माया बोला बुआ हाँ उसी की आवाज है जल्दी चलो जल्दी चलो देख सोना कहाँ छुपा रखा है मुझे नहीं मालूम नहीं मालूम सोने की लालच में लौंडिया को उससे फंसा दिया और कहता है मुझे नहीं मालूम आप क्या कह रहे हैं तुमने हमारी शराफत का ये बदला दिया तुमने अकेली गौरी को नहीं मेरे बुढ़ापे की शान कभी मिट्टी में नहीं डाली आपने मुझे गलत समझा है बापू मैं गौरी से प्रेम करता हूँ उससे शादी करना चाहता हूँ खामोश तुम ये समझते हो कि मुझे तुम्हारी असलियत का पता नहीं मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम एक सजा याफ्ता मुजरिम हो और मेरे जीते जी मेरी बेटी से शादी नहीं कर सकते मैं सजा याफ्ता मुजरिम जरूर हूँ एक पल के लिए मेरा पांव फिसल गया था लेकिन मैं अपने बारे में सब कुछ गौरी को बता चुका हूँ मैंने उससे कुछ नहीं छुपाया हाँ बापू ये झूठ नहीं बोले थे तू चुप है और वो सोना वो भी सच है ओ तो वो दो आदमी ठीक ही कह रहे थे कौन जिन्होंने मेरी ये हालत की है अच्छा अब मैं समझा बापू मैंने कई बार सोचा कि आपको सब कुछ बता दूं लेकिन बताने का मौका ही नहीं मिला मौका नहीं मिला ये बतलाना नहीं चाहा आपने मुझे समझने में गलती की है बापू इस सोने का मुझे कोई लालच नहीं आप ये सोचिए जिस सोने के लिए मैंने 5 साल की कड़ी सजा काटी हो उसे मैं जब भी चाहता यहां से उठा के गायब हो सकता था तो गायब क्यों नहीं हो गए गौरी के लिए डैम के लिए जो नई दुनिया बन रही है उसके लिए अब मैं वो रंजीत नहीं रहा जो यहां आया था आप लोगों के साथ रहकर मैंने ये सीखा कि अकेला जीना जीना नहीं जीना है तो सबके साथ जियो और मैंने कोशिश की कि एक सच्चा इंसान बन सकूं लेकिन लेकिन आप बेटा कर रहा हूं जो मुझे आज से बहुत पहले करना चाहिए था मैं सोने को सरकार के हवाले कर दूंगा तभी मुझे शांति मिलेगी मेरे मन का कलंक धुलेगा शाबाश बेटा शाबाश सचमुच आज तेरे मन का इंसान जागूंगा बेटा
मैंने तुझे पहचानने में बड़ी गलती की। वापस चल, खुद खुद Thank you.
मैंने पत्थर के छुपा दिया। अरे कहीं बनवा क्यों तुमने देख लिया? नहीं नहीं देखा, पर जब रस्ते साहब आएंगे तो सोने को निकाल तुमसे हवाले कर दूंगा। न मैं तुम लोगों पर यकीन करता और नहीं गर्व होती। तुम्हारी वजह से मेरा बंबई का बिजनेस चौपट हुआ, मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ और अब हाथ आया सोना वापस जा रहा। सोना जाएगा कहाँ मोहन बाबू? उसने जरूर कहीं नहीं छुपा लिया होगा, वरना खाली हाथ नहीं जाता। मैं नजर रखने के लिए चंद्र को वहाँ छोड़ आया हूँ। रहने दो अपनी अकलमंदी को, तुम दोनों बिल्कुल नालायक। अब जो कुछ करना होगा मैं खुद करूंगा। जाओ यहाँ से, चलो। सब इंतजाम ठीक है? जी सब ठीक है। लेकिन हार कौन पहनाएगा? आप? नहीं नहीं नहीं। तो मिसेज माथुर, मैं क्यों? डैम के महान काम के लिए जिन्होंने आप सब में नई चेतना पैदा की है, उन्हीं को ये काम सौंपिए। किनकी बात कह रही हो सुधा? लक्ष्मी दास जी। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, उन्हें जाकर आप समझा दीजिए। अच्छा माथुर। अपू यहाँ का तो सारा इंतजाम ठीक हो गया, अब मुझे जाना चाहिए। अच्छा, लेकिन बेटा जल्दी आना, तुम बेफिक्र हो बापू। बैठिए। श्रीमान मंत्री महोदय, भाइयों और बहनों, आज 15 अगस्त का दिन हमारे आजाद देश का बहुत बड़ा त्योहार है। इस अवसर पर मंत्री जी ने यहाँ पधारने की जो कृपा की है उसके लिए धन्यवाद देते हुए यहाँ काम करने वाले 30,000 लोगों की ओर से मैं उनका स्वागत करता हूँ। लक्ष्मण दास जी, आपने मुझे पहचान लिया? आपको कैसे भूल सकता हूं, ये मेरा सौभाग्य है। मगर आप यहां कैसे? मैं यही काम करता हूं। ओ, मेहनत का इनाम मिलने में ज्यादा देर नहीं है। किसकी मेहनत? मेहनत तो सिर्फ एक ही आदमी की है, मेरी। जी? यानी कि तुमसे तो कुछ हुआ ही नहीं, ये खूबसूरती ये अदाएं तो सब बेकार साबित हुई। क्या मतलब? मतलब तो साफ है मैडम, चीज पर हक उसी का होता है जो उसे हासिल करता है। यानी आप मुझे मेरे हिस्से का सोना नहीं देना चाहते? सवाल ही नहीं उठता। आप मुझे धोखा दे रही हैं। जो भी समझो, लेकिन मैं अपने हिस्से का सोना लेकर रहूंगी। हंसा हंसा रंजीत, हंसा। सोना मुझे दे दो। हरगिज़ नहीं,
मुझे पहले ही शक था कि इस मामले में आपका हाथ है। बकवास बंद करो, चुपचाप ये सोना मेरे हवाले कर दो वरना गोली छोड़ा दूंगा। तुम जैसे गद्दार की धमकियों से डरने वाला मैं नहीं हूँ। चलाओ गोली। तुम पर नहीं। गौरी बाबूजी, इसकी जान की खैर चाहते हो तो सोना मेरे हवाले कर दो। छोड़ दो गौरी को। मैं तो बिजनेस करता हूँ रंजीत, इस हाथ से सोना लूंगा और इस हाथ से इसे छोड़ दूंगा। लाओ सोना, लाओ। नहीं बाबू नहीं, सोना एक ना ही दो। नहीं गौरी, सोना तुमसे ज्यादा कीमती नहीं है। बाबूजी, बाबूजी, सोना एक ना ही दो, सोना एक ना ही दो बाबूजी। यहाँ से चलो गौरी। अरे कोई है, कोई है। बाबूजी को बहुत मार लगी। अरे जरा मत करो। अरे जल्दी करो। उठाओ बाबूजी को, उठाओ। अरे बोल बाबू। जल्दी ले चल गाड़ी।
क्या हुआ बेटा? रंजीत। लक्ष्मण दास जी, ये कौन है? क्या हुआ इसे? ये रंजीत है शर्मा जी, इसी के बारे में मैंने आपसे कहा था। ओ, लेकिन ये तो बिल्कुल मिनिस्टर साहब, ये मैं आपको सौंपता हूँ। रंजीत, इससे जो पाप हुआ है उसका उसका प्राचीन बस मेरा काम पूरा हुआ। रंजीत, नहीं नहीं रंजीत, अभी तुम्हारा काम पूरा नहीं हुआ, अभी तो शुरू हुआ। तुम जैसे बहादुर नौजवानों की देश को बहुत जरूरत है। रंजीत, रंजीत उठो, डैम की बुनियाद तुम्हें पुकार रही है, तुम्हारा सारा काम अधूरा पड़ा हुआ है। रंजीत, रंजीत तुम्हारी जिंदगी बहुत कीमती है बेटा, बहुत कीमती। तुम बहादुर, आदमी में हिम्मत है तो मौत भी काबू पा सकता है। उठो रंजीत, रंजीत उठो, उठो। सुनो तो, सब कहा थे, उठो।